ऐसे गेस्ट हाउस की तलाश है जो मार्गला हिल के बिल्कुल साथ हो, जो खूबसूरत एम्बियंस लिए हुए हो, जो आउट क्लास एमिनिटीज के साथ हो, जो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। आज मैं मौजूद हूँ जी द लेक्सिंगटन गेस्ट हाउस में। लेक्सिंगटन गेस्ट हाउस जो है ये F7 सेक्टर है इस्लामाबाद का, वहाँ पे वाक़ है। तो इस्लामाबाद का अगेन एक गेस्ट हाउस है, बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है, स्पेशियस किस्म के रूम्स हैं इसके और लग्जरी इंटीरियर है इसके। जो करीब करीब जो डेस्टिनेशंस है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा मेरे साथ रोटेट करें, ये मार्गला रोड है, पाकिस्तान की खूबसूरत रोड है इस्लामाबाद की, जिस पे मैं ये गेस्ट हाउस मौजूद है। और जो डेस्टिनेशंस हैं जिसको आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए, दामने को है, पीर सोहावा है, फैसल मॉस्क है, F7 की मार्केट है, और जितनी भी ट्रेल्स हैं इस्लामाबाद की वो बिल्कुल मार्गला हिल पे ऊपर हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इन एरियाज़ को विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सूटेबल हो सकता है। तो चलते हैं जी, जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं, गेस्ट हाउस को। सबसे पहले इस हाउस की पार्किंग, ज़बरदस्त किस्म की पार्किंग है जी। आप मेरे सामने देख रहे हैं कितनी स्पेस है यहाँ पे। ये इसकी प्रॉपर एंट्रेंस है इसकी, आप प्रॉपरली एंटर होते हैं और अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इसको। अच्छा व्यूवर्स, प्रॉपरली मैं एंटर हो गया हूँ इस गेस्ट हाउस के अंदर, और जो मुझे पहली जो फील आ रही है वो गेस्ट हाउस की नहीं आ रही। मैं आपको बताऊँ, ये मुझे जो फील आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं से किसी होटल के अंदर। मेरे साथ पार्टनर है लेक्सिंगटन गेस्ट हाउस के, आबिद साहब। आबिद साहब, क्या हाल है, खैरियत से जी? अल्लाह का एहसान है सर, आप सुनाएं। सर वेलकम टू द लेक्सिंगटन होटल। तो आपके तवसत से, आपके रेफरेंस से सर, हम भी अपना ये गेस्ट हाउस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ताकि गुरु होटल गुरु के व्यूअर्स को ये मतलब आसानी हो और वो देख सकें कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, मैं आपको दिखाऊं। चलें जी, चलते हैं जी। अच्छा व्यूअर्स, 101 रूम हम देखने लगे हैं जी। ये पहली कैटेगरी है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। मैंने आपको बताया था अल्ट्रा लग्जरी किस्म के ये रूम्स हैं, ऑस्पिशियस रूम्स हैं, 27 रूम्स दे हैव। अच्छा ये वाला रूम देखें आप, ये बजट कैटेगरी में इनके आ रहा है, लेकिन आप एम्बियंस चेक करें इसका, क्वालिटी इंटीरियर चेक करें, फिक्सर्स चेक करें, और जो माहौल ये दे रहा है आपको वो आप देखें, फील देखें यहाँ पे। और वुडन फ्लोरिंग है, आप देख सकते हैं जैसे मैं चल रहा हूँ तो बिल्कुल एक वो जो फील आती है ना चलने वाली वो, और LED स्क्रीन आप बड़े साइज़ की लगी हुई है, और जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन्होंने की हुई है वो एप्रिसिएशन के काबिल है। अच्छा ये यहाँ पे जो है वो वॉशरूम आप देख रहे हैं, वॉशरूम जो है वो नीट एंड क्लीन है और मॉडर्न लुक दे रहा है आपको। तो फैमिलीज़ जो इस तरह का माहौल चाहती हैं, अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस, तो उनके लिए ये आइडियल हो सकता है। आबिद साहब से अब क्विकली पूछते हैं कि इसका क्या चार्ज करेंगे जी। आबिद साहब, सर इसका 18,000 प्लस टैक्स हम चार्ज करें, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। अच्छा 18,000 प्लस टैक्स। जी जी। वैसे जो है नॉर्मली आप तो क्या करते हैं? नॉर्मली हमारा 20,000 प्लस टैक्स है, तो इंट्रोडक्शनली हम ये मतलब प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, 102 को देख लेते हैं जल्दी से। 102 में भी मोर और लेस उसी तरह का इंटीरियर है, ये जो है रूम उससे ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने आपको बताया था इस जो गेस्ट हाउस है इसका फीचर है कि इसके रूम जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं। आप ये देखें कितनी ज़्यादा स्पेस है इसके, इनके पास चार लोगों की प्रॉपर बेडिंग इन्होंने दी हुई है, बेड टू बेड चार लोग आराम से आ सकते हैं, दो मास्टर बेड लगे हुए हैं और यहाँ पर मैट्रेस भी लग सकता है, तो पाँच लोग आ सकते हैं इजीली इस रूम के अंदर। ज़बरदस्त किस्म की मैं जो चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ वो आप हैरान हो जाएंगे। तो इसका वॉशरूम बहुत ही बड़े साइज़ का, ये देखें जी ये वॉशरूम है जी इसका, आप चेक करें, ये तकरीबन एक लाउंज जितना ये वॉशरूम है, एक बेडरूम भी नहीं, मैं आपको एक मिनी लाउंज जो होता है उसके साइज़ का ये वॉशरूम है। तो इस तरह के जो हैं इनके पास 3-4 रूम्स हैं जो ऐसे ही वॉशरूम्स लिए हुए हैं। तो ये एक फ़ीचर है जी इस गेस्ट हाउस का, जो लोग स्पेशियस किस्म के रूम्स चाहते हैं, वॉशरूम चाहते हैं, नीट एंड क्लीन फैसिलिटीज़ चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा आबिद साहब से कुछ क्विकली पूछेंगे कि क्या चार्ज करेंगे आबिद साहब इसका? सर इसका 25,000 प्लस टैक्स हम चार्ज करेंगे। 25,000 प्लस टैक्स और पाँच लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह आप कम्प्लीमेंट्री देते हैं? कम्प्लीमेंट्री। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट इसमें कम्प्लीमेंट्री होता है। चलें जी आगे मूव करते हैं, ये आप साथ जो कॉरिडोर्स हैं उनको भी देखें। अच्छा व्यूवर्स, ये हम ऊपर जा रहे हैं, बाकी जो रूम्स हैं वो ऊपर हैं,
उनको भी देखते हैं। नीचे भी रूम्स हैं बट वो अभी ऑक्यूपाइड हैं, या आपको जो डिफरेंट कैटेगरी है वो हम दिखाने के लिए ऊपर लेके आए हैं। अच्छा व्यूअर्स, 205 को चेक करते हैं। इसमें जो है इन्होंने मुझे बताया है दे कैन अकोमोडेट 6 पीपल, मतलब रूम का साइज़ जो है उससे बड़ा है जो हमने पहले रूम देखा है। एमिनिटीज़ आप थोड़ी सी देख लें मेरे साथ जो यहाँ पर लगी हुई हैं, मोर और लेस उसी तरह की एमिनिटीज़ लगी हुई हैं। इंटीरियर अच्छी क्वालिटी का है, जो भी फिक्सर्स पड़े हुए हैं वो अच्छी क्वालिटी के, वुडन की फ्लोरिंग है। यहाँ पे 2 मास्टर बेड हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और जो ये स्पेस है साथ इसमें 2 मैट्रेस ये लोग दे सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 6 लोग आराम से इस रूम के अंदर आ सकते हैं, ठीक हो गया। और ये LED देखें आप कितने बड़े साइज़ की इन्होंने दिल खोल के, जिसे कहते हैं ना, LED वगैरह लगाई हुई है। और ये देखें जी वॉशरूम इसके जो है ना वो सारे के सारे ब्रांड न्यू है। वैसे तो ओवरऑल सारा गेस्ट हाउस ही ब्रांड न्यू है। जो यहाँ पे जो फिक्स्चर्स हैं या जिस तरह की एलिगेंस है वो बहुत अच्छी है जी, और स्पेशियस है वॉशरूम्स। क्या चार्ज करेंगे जी, जल्दी से बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। 30,000 प्लस टैक्स इसका चार्ज करेंगे और 6 लोग इसमें आ सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, स्पेशल रूम है इनके पास ये वाला, ये इसको देखें आप, 206 इज़ अ नंबर, ताकि आप रेफरेंस के लिए याद रखें इसको। ये हनीमून स्वीट भी कहते हैं, और आप इसका इंटीरियर चेक करें, कैसी ज़बरदस्त किस्म की फील आ रही है यहाँ पे, और जो कलर कम्बिनेशनस हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं जी, ठीक है जी। और मास्टर बेड की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है, और जंबो साइज़ की LED हमारे सामने है, ठीक है। उसी तरह के जो मिरर्स हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पे, और वार्डरोब खूबसूरत नज़र आ रही है। और वॉशरूम इसका चेक करें कितना खूबसूरत, और जो टाइल हैं इसकी वाइट टाइल जो हैं वो बड़ी इम्प्रेसिव लुक दे रही हैं। ये देखें जी, मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ है जी, ठीक है। आप साहब मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो है ये एक इनका प्रीमियर किस्म का रूम है, और दे आर चार्जिंग 35,000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो टैक्स इसके अलावा है। अच्छा ये आपको प्राइस शायद ज़्यादा लग रही हो, बट कंसिडरिंग द फैक्ट के F7 के अंदर है और मार्गला हिल्स के बिल्कुल सामने है, जो चीज़ें आपको ये दे रहे हैं अल्ट्रा किस्म की लग्जरी दे रहे हैं और स्पेशियस चीज़ें दे रहे हैं, तो उस हवाले से आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। अच्छा व्यूवर्स, ये एक और कैटेगरी है, बल्कि इसी तरह की मिलती जुलती कैटेगरी हमने सेकंड रूम की देखी है, और इसके अंदर तकरीबन 6 लोग आराम से आ सकते हैं। 4 लोगों की प्रॉपर बेडिंग है और 2 मैट्रेस यहाँ पर लग सकते हैं। ये देखें जितने भी रूम्स हैं इनके पास वो स्पेशियस हैं, कोई भी साइज़ में छोटा नहीं है। इवन के जो हमने सबसे छोटा मास्टर बेड वाला भी देखा उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेस थी। और ये देखें अच्छे किस्म का एक काउच यहाँ पे मिल रहा है हमें, और सामने ड्रेसिंग है डिफरेंट किस्म की, और जो LED है वो काफ़ी बड़े साइज़ की तकरीबन हर रूम के अंदर मौजूद है। और वॉशरूम को भी देख लेते हैं व्यूअर जल्दी से, इसके वॉशरूम सारे के सारे बहुत स्पेशल किस्म के हैं और डिफरेंट भी हैं, आपस में मिलते जुलते नहीं हैं कुछ, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि मॉडर्न लुक दे रहे हैं और जो है अच्छे फिक्सर्स के साथ हैं, ठीक है जी। अच्छा आबिद साहब मुझे बता रहे हैं दे आर चार्जिंग 25,000 रुपीज़ फॉर दिस रूम एज़ वेल, और इस तरह के इनके पास 14 रूम्स हैं, 14 रूम इनके पास मौजूद हैं, और इसकी प्राइस जो है वो 25,000 रुपये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूडिंग है, टैक्स अलावा है इसके, ठीक है। तो हर चीज़ की एक प्राइस होती है जी। अब आपको F7 के अंदर इस तरह के फिक्सर्स के साथ, इस तरह की सर्विस के साथ, ऑब्वियसली आपको प्राइस थोड़ी हायर ही कंसिडर करनी पड़ेगी। अच्छा व्यूवर्स, ये आप एक रूम की विंडो से मनाजिर देख रहे हैं जो मार्गला हिल्स, और सामने जो है वो आपको जो है वो मार्गला रोड नज़र आ रही है। तो ये एक व्यू था इसके एक रूम्स का, जहाँ पे हम इस तरह का व्यू भी देख सकते हैं। ये एक मास्टर बेड है, इस तरह का मास्टर बेड ऑलरेडी हमने देखा है अपनी पहली वीडियो के अंदर, लेकिन ये वाला जो रूम है ये इस हवाले से स्पेशल है कि यहाँ ये आपको विंडोज़ के ज़रिए व्यू बड़ा अच्छा दे रहा है। तो डे लाइट के अंदर आप डे लाइट यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ को, यानी पर्दे हटा के, और वैसे आपको जो है वो इंटीरियर भी इसका और मोर और लेस उसी तरह के हैं फिक्सचर्स के साथ है जो हमने पहले रूम्स देखे हैं। तो बहुत अच्छा एम्बियंस है जी, बहुत अच्छा माहौल है,
वॉशरूम को भी देखते हैं इसके जी। वॉशरूम इसका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और खूबसूरत लग रहा है जी। कलर स्कीम बड़ी अच्छी है, ये देखें। तो इस रूम का क्या चार्ज करते हैं आप साहब? 20,000। ये 20,000 प्लस टैक्स के अंदर आपको मिल जाएगा और इसमें ज़ाहिर से दो लोग ही आ सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैं इसके टेरेस पे मौजूद हूँ, तो ये सीन मुझे सामने नज़र आ रहा है जी। इस टेरेस पे कितना खूबसूरत सीन है, आप चेक कर सकते हैं। मागला हिल्स का जो व्यू है, जब भी आप इसको देखते हैं आपको रिफ़्रेश कर देता है। तो ये सामने आपको सीन मिलेंगे जी, अपने गेस्ट हाउस अगर आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं तो इसकी टेरेस पे। तो व्यूवर्स, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 20,000 रुपये से लेके ऑनवर्ड 30,000 रुपये और अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं इस्लामाबाद की प्रीमियम प्लेस के ऊपर और अल्ट्रा किस्म की लग्जरी इंजॉय करना चाहते हैं विद फैमिली, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर देम, द लेक्जेंडन गेस्ट हाउस in F7 Islamabad. Thank you very much for watching this video. This was Muhammad Yasin from Hotel Guru. Allah Hafiz.